इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति हलचल तेज हो चुका है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है तमाम नेताओं की जुटान होने लगी है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वह बीजेपी में जो है पहुँचने लगे हैं, और इसी क्रम में जो है आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हों या फिर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हों, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हों, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हों, या फिर आप बात कर लीजिए तमाम अन्य कई ऐसे नेता जो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, वह भी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और कोर कमेटी की बैठक जो है शुरू हो गई। आज से जो है 5 लोकसभा जो सीट है उन तमाम सीटों को लेकर के जो है एक तरफ मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ 5 अक्टूबर को जो है जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वह बिहार आने वाले हैं। ऐसे में तमाम चीज़ों को जो है साझा किया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी। जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी 40 में से 40 सीट का दावा कर रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग भी जो है वो अपने तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई हुआ है वह आर पार की लड़ाई है, कौन किस पर ज़्यादा हावी होता है ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ में जो है बीजेपी इतना आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, जिस तरह से इस बार एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में शामिल हुए, भविष्यवाणी जो है बीजेपी को ने किया है नीतीश कुमार को लेकर कि जदयू का सफाया होना तय है। हालाँकि जिस तरह से अभी 2024 में लोकसभा को लेकर के जो कहा जा यह जा रहा है कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं कोई भी एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का जो छवि है वह बिहार की जनता देख चुकी है, जान चुकी है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, इसमें वार पलटवार का दौर जो है वह देखा जाता है। एक दूसरे पर कटाक्ष नेता भले करते हों, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए किस तरह से जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो चुका है, और इसी क्रम में बंद कमरे में जो है घंटों बैठक चल रही है। जो लोकसभा है उन तमाम लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं जो वहां नियुक्त जो पदाधिकारी हैं उन वह तमाम लोग जो हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है वह पहुँचे हुए हैं, और एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जो हैं तमाम लोगों से जो है वह एक तरह से कहा जाए कि तमाम लोगों से वह बातचीत कर रहे हैं कि आगे किस तरह से जो है पार्टी की बातों को कैसे प्लेटफॉर्म पर रखना है, कैसे केंद्र सरकार ने जो चीज़ें की है जो योजना है उसको कैसे धरा तक पहुंचाना है। इन तमाम चीज़ों का जो है जिक्र जो है एक तरह से कहा जाए कि इस पार्टी में इस बैठक में हो रही है। लेकिन अब देखने वाली विषय होगी कि एक तरफ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह बिहार आ रहे हैं, उससे पहले बीजेपी साम दाम दंड भेद सब अपना आ रही है, हर रुख को अख्तियार कर रही है। आगे लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है यह तो समय तय करेगा। फिलहाल इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।